मुंबई की शायद सबसे ऊंची इमारत, जहां से सारा मुंबई दिखता है, वो खड़ी थी। खिड़की से सारी दुनिया को या सारे मुंबई शहर को देखने का प्रयत्न कर रही थी। उसे अपने इस प्रयत्न पर जोर से हंसी आई। क्या सचमुच कोई है इस मुंबई में जो उसे याद करे या उसके लिए आंसू बहाए? नहीं, वो तो अकेली थी। कोई ऐसा था ही नहीं जो उसे सहारा दे, उसकी तकलीफों को कम करने का प्रयत्न करे या उसे इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति दिला दे। नहीं, कोई नहीं था और ना ही वह किसी की कुछ लगती थी। किसी के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक कॉल गर्ल थी, जिसका बस एक या कुछ रातों तक अपने कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना होता था। भावनात्मक या मानसिक संबंध नहीं, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना और फिर वहां लौट जाना जिस नरक में वो रहती थी, अपने पति के साथ। उसे हंसी आ गई। पति जो खुद अपनी पत्नी को किसी और को बेच देता था, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का सौदा करना आता था, पत्नी के बदले जमीन, जायदाद और समाज में अपना ओहदा कमाना था। वो इंसान उसका पति बन बैठा था, जो कभी उसे पत्नी का अधिकार दे ही नहीं सकता था। वरुण माल्या, जिसने समाज में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल किया, खुद उसे ग्राहक तक पहुंचा आता था। पर वो कौन थी? शायद सानिया, रोजी या पामिला या माया या कोई और? वो तो भूल ही चुकी थी कि उसका परिचय क्या था, उसका नाम क्या था। रिद्धु, रिद्धिमा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पापा? नहीं, कोई नहीं है। ये तो इतने दिन हो गए पर अब भी लगता है कि पापा पुकार रहे हैं। मेरा रिद्धु बेटा, मेरी बात तो सुन, बता आज तेरा दिन कैसा गया? और रिद्धिमा पूछती, पहले आप बताओ पापा, आपका दिन कैसा गया? शशांक हंसकर उत्तर देते, बिंदास, मेरा दिन कभी बुरा नहीं जाता, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे तेरा प्यारा सा चेहरा नजर आता है। रिद्धिमा को वो दिन याद आ गए जब वो छोटी सी थी। छोटा सा खुशी भरा संसार था उसका, मम्मा, पापा और वो। पापा एक स्कूल में पढ़ाते थे, ज्यादा कुछ आमदनी नहीं थी, उनके पास तो बाइक भी नहीं थी, बस एक साइकिल थी जिस पर वो स्कूल जाते थे। साइकिल के सामने उनकी सोना के लिए एक छोटा बेबी सीट था, जिस पर चढ़कर वो बहुत खुश होती थी। पापा के साथ ही साइकिल पर वो स्कूल जाती और उनके साथ ही वापस आती। पर थोड़ा बड़ा होने पर पापा ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक साइकिल खरीदकर उसे बर्थडे गिफ्ट दी। कितनी उनके घर आने लगे। उनके पास बड़ी सी हवेली थी जहां मम्मा उसे घुमाने ले गई थी। एक बड़ी सी कार थी जिसमें वो मम्मा के साथ कभी कभी घूमने जाती थी। उस अंकल की दौलत ने मम्मा को सपने दिखाने शुरू किए। अब वो पापा से हर बात पर झगड़ती थी। उनके पास क्यों कुछ नहीं है? क्यों शशांक इतने में खुश क्यों है? क्यों कोई बिजनेस नहीं कर लेते जिससे उनकी आमदनी बढ़े? बस इन्हीं बातों पर अक्सर पापा और मम्मा में बहस होती और पापा पहले समझाने का प्रयत्न करते और फिर चुप हो जाते। रिद्धिमा की भूमिका वहां चुप रहने की थी, बस। पर एक दिन मम्मा ने सचमुच विद्रोह कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो यहां से जा रही हैं
पापा के साथ नहीं रह सकती। वो खुलकर जीना चाहती थी। पापा कहते हैं, हम तो जी रहे हैं सुवर्ण, देखो हमारी प्यारी सी फैमिली है, प्यारी सी बेटी है। पर मम्मा ने पापा के मुंह की बात छीनते हुए उत्तर दिया, तो ठीक है तुम जियो जैसे जीना है, मैं नहीं जी सकती। मैं जा रही हूं, तलाक के कागजात भेज दूंगी, साइन कर देना। पापा हैरान से खड़े थे, पर रिद्धिमा ने मम्मा के पैरों को जोर से जकड़ लिया और रोते हुए विनती की, मत जाओ मम्मा, मत जाओ। मम्मा ने अपना पाव छुड़ाते हुए कहा था, मैं रुक नहीं सकती रिद्धिमा, पर अगर तुम चलना चाहती हो तो चलो। अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए साफ साफ सब कुछ बताना जरूरी समझती हूं। मैं दीपक अंकल से शादी करने वाली हूं और कुछ दिनों बाद तू भी हमारे साथ रहना चाहती है, तो मुझे लगता है दीपक मना नहीं करेगा। 10 साल की रिद्धिमा इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि अपना फैसला खुद ले सकती, पर इसका जवाब शशांक ने दिया था। उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा था, नहीं मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। सुवर्ण गुस्से से बिफरती हुई बोली थी, इसका फैसला रिद्धिमा को लेने दो। और रिद्धिमा बोल पड़ी थी, मम्मा मैं पापा के पास रहूंगी, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुवर्ण उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देख रिद्धिमा, जहां दौलत नहीं वहां कुछ नहीं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी तुझे, क्योंकि ये इंसान कभी ज्यादा कमा ही नहीं सकता। रिद्धिमा पापा के हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोल पड़ी, दरवाजा खुला जो बाहर से लॉक था। वहां लड़की जो उसे यहां लेकर आई थी बड़े अदब से बोली, मैम आपके लिए कुछ लेकर आऊं? रिद्धिमा ने ना में सर हिलाया था और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शांता, कहकर वे बड़ी मीठी सी मुस्कुराई और फिर कहा, सर ने आपका खास ख्याल रखने को कहा है, जब तक वो नहीं आते कुछ भी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, वैसे मैं थोड़ी देर बाद आकर आपसे खुद पूछ लूंगी। रिद्धिमा ने सिर हिलाया था पर दिल में उसे हंसी ही आई थी। जब तक सर ना आए उसका विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज रात सर के मनोरंजन का दायित्व उस पर है, सर को खुश करना है। क्या कहा था वरुण ने? रिद्धिमा डार्लिंग, इस इंसान को खुश कर देना, मुझे एक बहुत बड़ा टेंडर हासिल करना है, बस अब मेरी इज्जत तेरे हाथ है डार्लिंग। रिद्धिमा को शांता की आवाज सुनाई देती है, ऐसे मैडम एक बात कहूं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल शहजादियों जैसी। शांता के जाने के बाद रिद्धिमा आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। शांता की बात याद करके उसे बहुत हंसी आई। सुंदर होना कितनी बड़ी मुसीबत है, ये वो लड़की क्या जाने। सुंदरता तो एक औरत के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह होती है। उसने खुद को आईने में निहारा, नहीं उसे खुद को देखकर खुश नहीं होना है, बस इतना ख्याल रखना है कि उसका ग्राहक उसे देखकर खुश हो जाए। उसने अपना मेकअप ठीक किया, मिनी स्कर्ट पहनी, शर्ट के सीने के ऊपर के बटन खोल दिए। उसे अपने कारनामों से हंसी आई, पर वो परफेक्ट बन चुकी है, किसी को रझाने के लिए, शिकार को फंसाने के लिए। पर क्या वो खुद शिकार नहीं हो जाती? शिकारी को जो चाहिए वो तो उसे मिल जाता है, तो फिर वो तो शिकार हुई और ग्राहक उसका शिकारी। पर असली शिकारी तो वरुण जैसा इंसान है, जो इन बड़े लोगों को, रिद्धिमा को शिकार बनाकर अपने जाल में फंसा लेता है। नहीं, वो भी इन बातों को नहीं सोच सकती थी, क्योंकि इन बातों को सोचने से उसका मूड ऑफ हो सकता है और वो अपने ग्राहक को खुश करने में चूक कर सकती है। रिद्धिमा अपना ध्यान हटाने के लिए फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और ऊपर आसमान को देखने का प्रयत्न करने लगी, पर अपने इस कोशिश पर उसे खुद हंसी आ गई।
उसका आसमान तो कब का खो चुका है, अब वो कितनी भी कोशिश करे नहीं मिल सकता। उसने खड़े खड़े ही अपनी आंखें बंद कर ली। ये आदमी इतना लेट क्यों कर रहा है? इसके पहले तो सब जैसे अपने कमरे में तैयार ही रहते थे, बस रिद्धिमा के अंदर जाने और दरवाजा बंद होने का इंतजार, फिर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते। अचानक एम्बुलेंस की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई मुंबई के सड़कों से गुजर गई और रिद्धिमा कांप उठी। एम्बुलेंस की आवाज को वो कैसे भूल सकती है? एक बार ऐसी ही एक एम्बुलेंस आई थी पापा को लेने, जिस रिद्धू को वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे उसी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी का भी अंत कर दिया था। अगले एपिसोड में सुनिएगा कि कौन आता है रिद्धिमा और उसके पापा की मदद करने।